साथियों, जैसे आपको पता है कि 25/5/24 आज लोकतंत्र का पर्व है और दिल्ली के अंदर 7 MP की सीटों के लिए, सांसद के चुनाव के लिए आज चुनाव किया है। और जैसे कि हमारे पास साथ जुड़े हैं अजय विरमानी जी, जो कि पहले यहां से 2 पार्षद को जिता चुके हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को, और अभी हमारे बीच के अंदर जुड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी परसेंट पोलिंग हुई है अजय जी? लगभग 65% के आसपास पोलिंग हो चुकी है। हाँ। जो हमें अब तक डिटेल मिली है, और आगे पोलिंग और थोड़ी बढ़ सकती है, 65-70% के बीच में पोलिंग टोटल हो सकती है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो था, जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का आपका, वो कितना परसेंट वोट कांग्रेस को पड़ा हुआ? तो आज जो हम सब आम इंडिया गठबंधन, जो हमारे प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का और हमारे कांग्रेस का जो वोट है वो मिलकर के हमारे प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जी को मिला है, और वो वोट पूरा ही हमारा मिलेगा। और उसके अलावा जो वोट जो ऐसा था कि जिसमें लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा रही, और ये सांसद का चुनाव है, सांसद के चुनाव में सांसद के कार्य को देखा गया, और वो हमारे जो सांसद के कैंडिडेट हैं, एमपी के जो कैंडिडेट हैं, बहुत ही एक अच्छे और बहुत ही रियायती शरीफ और बहुत ही हिम्मतना छवि के कैंडिडेट रहे हैं, और पिछले 5 बार ही वो सांसद रह चुके हैं और 10वां चुनाव लड़ रहे हैं, और अब तक के बहुत ही अच्छे कैंडिडेटों में गिने जाते हैं, जिनकी वजह से आज हम, जिन्होंने आज तक हमेशा लोकल मुद्दों को उठाया है, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जितने भी और रहे हैं, आज तक इन्होंने लोकसभा में, जो पुराने पूर्व सांसद रहे हैं, इन्होंने लोकसभा में कोई आवाज़ ही नहीं उठाई, और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। उन्होंने हर बार हर जगह यही बात कही कि लोकल मुद्दों को उठाना ज़रूरी है हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या लोकल मुद्दे थे जो जेपी अग्रवाल जी जनता के बीच में लेके गए हैं, जिसको वो चुनाव जीतने के बाद अगर ऐसा जनता उनको जनादेश देती है तो वो जल्दी से जल्दी इसको कराएंगे? लोकल मुद्दे थे, लोकल मुद्दों में आज सबसे बड़ा मुद्दा युवा बेरोजगार हुआ बैठा है। युवाओं के बारे में लोकसभा में कोई क्वेश्चन नहीं किया किसी भी सांसद ने, 10 साल सांसद रहे हैं, आज तक कोई क्वेश्चन पुट आउट नहीं किया कि बेरोजगार युवाओं के लिए क्या हो रहा है। या लोकल समस्या रहे, अगर कोई ऐसी समस्या रही जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई नया कॉलेज खोला हो, नई कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, दिल्ली के लिए आज तक क्या हुआ है? दिल्ली में कोई ये काम तो सारा UGC के अंडर या सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वो कोई भी ऐसे काम नहीं है। प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि ऑलरेडी 2 बार प्रधान, क्या उनको चुनौती दे पाएंगे? उनकी जो काम है उनको चुनौती दे पाएंगे? उनके नाम से वोट लेना मेरे को समझ नहीं आती, कैसी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ये, और कैसा कार्य हो रहा है कि अपने कुछ कार्य बताएं कि मैंने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने कोई कार्य नहीं बता पा रहे कि मैंने क्या किया, वो एक दूसरी बात है, अखंडता इसको अभी जो भी बातें हो रही हैं इनको लेकर के चल रहे हैं। कोई युवाओं के ऊपर कोई कार्य किए उन्होंने और कुछ काम किए हों ऐसे देश के लिए कि हमारे बेरोजगारी ख़त्म करियो, हमारे लिए नवनिर्माण कोई अच्छी नई योजनाएं लेकर के आए हों, ऐसी कोई योजना इनके पास है ही नहीं। मनोज जी, तुम क्या कहना चाहोगे? देखो जी, इस बारे में, इस बार जो चुनाव लड़ा है बहुत अच्छा लड़ा है, जो गठबंधन किया है इन्होंने उसमें कांग्रेस को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो BJP को तो वोट नहीं करेगा, वो कांग्रेस को ही वोट करेगा। तो जो पिछली बार जो हमारा वोट हमारा कम रह जाता था, वो इस बार ही वो पार करके हम BJP पे फतेह हासिल करेंगे। अगर मान लो JP अग्रवाल जी को चुनाव जीत जाते हैं चांदनी चौक विधानसभा से, तो भी प्रधानमंत्री पद का फासला तो बहुत दूर है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो फिर कैसे करेंगे कि उनका जनता की हिस्सा नहीं है? वो भी सब कुछ मिलकर बैठ करके सब कुछ होगा, गठबंधन बना है तो गठबंधन के हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इसके बारे में फैसला करेंगे। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि आपका ये जो आज आपके विचार हैं, जनता इसके ऊपर अपना क्या फैसला सुनाती है, और अब जल्दी फैसला 4 जून को आना ही है, लेकिन अब क्योंकि आज 6 बजे के बाद अब सारा समीकरण शुरू हो गया है, तो फिर विश्लेषण में जुड़ेंगे आपके साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।